वो आई एम रियली वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट जो मैंने अभी तक बोला नहीं है कि जब भी मैं मॉक्स करता था इट वाज लाइक मैं आपको बहुत रैंडम टाइम्स पे कॉल करता था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वाज लाइक कि यू वुड इमिडिएटली रिटर्न द कॉल इफ यू डिड नॉट पिक अप एंड इफ यू पिक अप देन यू वुड स्ट्रेट अवे एड्रेस माई इशू। आई नेवर फेल दैट डिसकंटिन्यूटी कि नहीं मुझे गाइडेंस में थोड़ा डिसकंटिन्यूस फीलिंग आ रहा है। सो सर आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सेसिबिलिटी दैट आई हैव कि हाँ मैं इजिली आपको कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। आई नो दैट यू विल रिटर्न माई कॉल एज सून एज पॉसिबल। दैट वॉज वेरी कम्फर्टिंग एंड दैट एक्चुअली रिलैक्स माई सेंसेस कि हाँ जो मैं गाइडेंस चूज किया हूँ आई एम श्योर अबाउट इट। सो द अदर पार्ट जो मेरे पे डिपेंड करता है वो है मेरा हार्डवर्क कि मैं मतलब कर पा रहा हूँ कि नहीं। दैट वॉज देयर। सो सर आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे वी हैव वन मोर स्पेशल मेंबर इन दिस वीडियो। उनका नाम है अंकित। अंकित ने रिसेंटली एलएन का ट्रेनी फैकल्टी का जॉब रोल क्रैक किया है एंड नाउ ही इज अबाउट टू ज्वाइन एलएन। सो अंकित ने इस सेशन को ज्वाइन किया हमारे साथ ताकि ही कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग विथ यू। राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या हुए, उनकी सेशंस कैसे रहे, क्वेश्चंस कैसे आए उनके साथ। तो जो मुझसे पूछते हैं एलन के लिए क्या करना है सर, हाउ टू अप्लाई फॉर इंटरव्यूज, राउंड्स क्या होते हैं, तो अंकित इज लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है, इनके पास सारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो प्लीज लर्न फ्रॉम अंकित, लास्ट तक सुनिएगा वीडियो को ताकि यू कैन लर्न एटलीस्ट। तो अगर आपको भी इंटरव्यूज देने हैं एलन के लिए सो हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एलन इंटरव्यूज। तो जानते हैं अंकित उनकी कंप्लीट जर्नी एंड देन सीखते हैं उनसे कुछ पॉइंट जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में टू क्रैक द इंटरव्यू। तो अंकित फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए, जैसे कि आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ये इंटरव्यू क्रैक किया। आई नो आपकी जर्नी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है कि आपने सोचा कुछ और था, स्टार्ट कुछ और हो गया एंड देन फाइनली आपको मिला कुछ और। तो जो आपका ड्रीम जॉब था दैट टुक लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड बीच में कुछ गैप भी हो गया उसकी वजह से। पीपल डोंट नो बट आई नो यस सर। एग्जैक्टली क्या सिनेरियो रहा आपके साथ। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू। फिर आपने ये जर्नी तय कैसे करी, इतना मुश्किल था सफर, आप कुछ और कर रहे थे, वहां से यहाँ आ गए, तो कैसे ये सब चीजें हुई। आई विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रो ऑफ योर्स आपके बारे में, देन हम जानेंगे आपने अप्लाई कैसे किया एलएन के लिए। सो आई एम गिविंग अप टू यू, ओवर टू यू, आप इसको स्टार्ट करिए अपनी स्टडी। सो माय नेम इज अंकित कुमार सिंह। आई डिड माय बीटेक फ्रॉम कलिंगा यूनिवर्सिटी एंड आई passed out in the year 2019, after which I was preparing for GATE and engineering services. I took a year drop and GATE went decent well, but it was not enough to get M.Tech into the IITs. So I decided to take another drop after discussing it thoroughly with my university professor. I always had interest in physics for general. So I was good with maths and everything, but when I again appeared for GATE, that time COVID struck and due to some reason, so I couldn't prepare that well and it went downhill. So what happened is over time the only interest that I had was physics, which I had from class I think 11 and 12. So उसके बाद यही हुआ कि प्रिपरेशन की बात आई तो आई वॉज डाइसी विद द सिचुएशन कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. गेट काफी डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए सस्टेन करना. सो एज एन ऑल्टरनेटिव आई टुक अप टीचिंग. So initially I joined a local coaching institute in my hometown. During the COVID time only, whenever there was possible, I tried to do offline classes. So I got interested in teaching as like वैसे भी यूनिवर्सिटी में जब भी हमारे एग्जाम्स होते तो आई वॉज ऑलवेज टीचिंग माई फ्रेंड्स. सो आई हैड दिस पैशन फॉर टीचिंग एंड आई देन कनेक्टेड इट विद द नॉलेज दैट आई हैड इन फिजिक्स. सो आई वॉज लाइक वाई नॉट दिस ऑप्शन. एंड उसके बाद ये हुआ कि देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु स्टार्टेड दिस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म. इट वाज क्वाइट स्मॉल. वी हैड बिग विजंस बट डिड नॉट वर्क आउट. एंड देन देयर आई गॉट अ गुड ट्रेनिंग बिकॉज आई टॉट फिजिक्स ऑनलाइन एंड आवर क्लासेस यूज्ड टू कम लाइव एंड इट वाज क्वाइट अ चैलेंज इन द बिगनिंग बट देन आई लर्न स्लोली. एंड देन ओवर टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड दैट इज वेन आई केम अक्रॉस सर. एंड सर helped me a lot with the preparation in terms of the guidance that I got. How do I crack the written papers? Everything was working. So initially for that time being I was doing some other role which was not related to physics. I was doing it just as a backup option in case keep myself busy. And then I stumbled upon this opportunity that I got from Alan.
पीपल हु गेट सेलेक्टेड गेट गुड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया. सो दोज काइंड ऑफ लेवल क्वेश्चन इफ यू स्टार्ट टैकलिंग एंड ऑल देन इट इज ईजी. तो वो मैंने प्रैक्टिस किया. एडिशनली जो आपने सर क्वेश्चन का पूरा भेजा था दोज वर लाइक दोज वर दैट लेवल ओनली. सो इट वॉज अ गुड प्रैक्टिस फॉर मी. वंस आई वेंट टू गिव द टेस्ट वेल इट एल एन इज ग्रेट विद द रिसीविंग एंड एवरीथिंग. सो आई जस्ट अप्लाइड एंड आई गिव द टेस्ट. टेस्ट वेंट प्रिटी व्हाट डू आई से आई मेड अ मिस्टेक इन द ओएमआर एंड ऑल एंड बट हाउएवर आई ट्राइड मैनेजिंग ऑल द थिंग्स. उसके बाद क्या होता है टेस्ट के बाद वो आते हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मतलब कॉल आउट करते हैं उनको पर्सनली बता भी देते हैं कि आपका है. एंड जो नॉन सिलेक्टेड ऑफ कोर्स वो अलग हो जाते हैं. एंड देन उसका डेमो था. डेमो देयर वर टू फैकल्टीज फिजिक्स में देयर बोथ फैकल्टीज वर फीमेल्स. सो इट वाज क्वाइट डिफरेंट इन दैट एनवायरनमेंट. आई नेवर गिवन डेमो लाइक दैट एंड दिस वाज क्वाइट डिफरेंट इन द एस्पेक्ट की ऑफ कोर्स दे आस्क यू कि हाँ आप अपने टॉपिक से स्टार्ट करो. दे आर नॉट गोइंग टू पुश अ लॉट अराउंड देयर बट दे आर गोइंग टू टेस्ट यू कि आप आगे का क्या जानते हो. तो उन्होंने मुझे कैपेसिटर्स के बारे में पूछा. ठीक है फॉर्मूला पूछा. एंड देन दे गिव मी अ रैंडम क्वेश्चन व्हिच आई हैड टू सॉल्व. आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल द क्वेश्चन बट इट हैड टू डू विद कैपेसिटर्स. एंड देन वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दे आस्क मी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वैन डी ग्राफ जनरेटर. नाउ दैट इज क्वाइट ऑड बिकॉज 9 एंड 10 ये तो ये है ही नहीं मेंशन. और 11, 12 में दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट. बट दे आल्सो वांट टू टेस्ट यू कि आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने ही आता है या यू नो अ बिट ऑफ थ्योरी एज वेल. सो आई वाज एबल टू टेल दैट एज वेल. फिर वो चेंज करके टॉपिक दे अगेन पुश मी टू अ हायर कॉन्सेप्ट. आई न्यू दैट दे वर टेस्टिंग माय माय स्किल विद दैट कि इफ आई कैन यूज अ गुड एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट. सो दे सेड जस्ट इमेजिन दिस इज अ क्लासरूम एंड समबडी आस्क्स यू एंड देयर आर स्टूडेंट्स अराउंड यू. So, how will you explain it to them? And I told them, yes, okay, I'll explain them in a certain way, which I think they were satisfied with. The demo went on for around, I'll say, 12, 15 minutes, not more than that, because of course there were a lot of candidates there. So she was asking me about capacitors. So she was asking me to derive the expression for energy stored in a capacitor. So I was like, ma'am, do I start with the definition only? Meaning, आप derivation करके दिखा दीजिए. And then she asked me a numerical, which I was able to solve as. So these were some basic criteria. And in the end, there is this candidate is fit for. जहाँ पे मैंने अपने कुछ और भी जो लोग आए हुए थे उसके लिए मैंने देखा कि उनका लिखा हुआ था for live classes only या फिर recorded classes only. But in my case, I got both live and recorded. And I think it was due to the demo. So the demo went extremely well. Otherwise, I had no chance. Of course, they ask you about your background, where you did your BTech from, what was your trade and everything. What have you been doing since? So एक informal talk तो होता ही है. फिर then they cut down to the performance. Now the performance since you get it straight after demo, demo के 2 मिनट के बाद ही आपको मेल आ जाएगा. And उसके बाद जब मैं गया था, तो I knew कि इनका सबसे बड़ा concern मेरा मार्क्स रहेगा कि मैंने स्कोर नहीं किया है. उस तरह से जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि मैंने आसपास के कैंडिडेट्स से देखा था. ऑल ऑफ देम वाज स्कोरिंग अराउंड 95+. आई थिंक वन स्टूडेंट वाज देयर हु वाज लाइक 88 राइट. सो आई थिंक आई वाज द मोस्ट लोएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट. सो विद रिगार्ड्स टू द डेमो आई थिंक यू परफॉर्म्ड वेल बिकॉज ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10 आई वाज गेटिंग एवरीथिंग वाज इन 8 7 8 7 8 7 8. सो एवरेज मार्किंग मुझे मिल गया लगभग 8 था मेरा आउट ऑफ 10 व्हिच इज डिसेंट. लाइक ऑफ कोर्स देयर इज अ सैलरी डिस्कशन एज वेल. एंड देन वो आपको जो आपकी वीकनेस वो फाइंड आउट करेंगे वो जनरली आपको पॉइंट आउट करेंगे. एंड दैट इज वेयर दे विल यू विल हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू आल्सो टेल देम व्हाट वर द पॉजिटिव्स देयर. बट यस इट्स क्वाइट अ डिफरेंट गेम. वंस यू आर इन द रूम तभी पता चलता है कैसे बात करना है. तो ये सब हुआ. एंड आफ्टर दैट दे आस्क्ड मी व्हेन वुड इट बी इज लाइक पॉसिबल फॉर मी टू जॉइन. So I was pretty sure that it will take me at least 3 weeks time. So yeah, they considered that वो आपको join करने क्योंकि आपको notice period भी serve करना पड़ेगा उसको एक company में. And I was working in a different company. I was in the education field only, but in a different role. So I knew that I'll need a notice period time, and they were decent enough. Joining Wednesday को होती है, उनका परंपरा है ऐसा कुछ कि वो Wednesday को faculties को join करवाते हैं. तो दे वो कंफर्टेबल विद इट. एंड रिपोर्टिंग एंड कहाँ पे रिपोर्ट करना है, हु विल बी माय मेंटर, हु विल बी द पर्सन हु विल रिसीव मी, हु एम आई सपोज टू रिपोर्ट एट व्हाट टाइम एट व्हाट वेन्यू, एवरीथिंग इज मेंशन इन द ऑफर लेटर इटसेल्फ.
सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन टू गोइंग इन दिस फील्ड, इफ यू फॉलो योर चैनल इज सॉर्टेड, उसको कहीं और अच्छा रेफर ही नहीं करना, क्योंकि सारे एडवर्टाइजमेंट्स जितने भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के आते हैं ऑल ओवर पैन इंडिया सारे आपके चैनल में आ जाते हैं. सो देयर दिस हैड कम एंड वहां से ऑफ कोर्स सारा डिटेल्स मिल ही जाता है, देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई. सो सर इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एज आई केम टू नो अ लॉट दैट आई डिड नॉट नो. मुझे लगता था कि जस्ट आप टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे हो अपने घर में बैठ के कंफर्ट में, दैट इज इनफ. बट नहीं, इट इज नॉट इनफ, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका कौन सा दिन क्या चल जाएगा. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद द टेस्ट एंड आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन द डेमो, बट बिकॉज आई हैड फॉलोड दैट. आई रिमेंबर आपने जॉट डाउन करवाया था हमें ओवर दैट व्हाट्सएप कॉल, एंड मैंने सारा जॉट डाउन किया था, एंड देन इट टुक मी लाइक 2 डेज टू स्ट्रक्चर आउट माई डेमो. इट टुक मी 2 डेज इन द सेंस कि अगर आप उस चीज को फॉलो कीजिए ना, तो आप 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट रेडी कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू नो हाउ यू नीड टू प्रोसीड. सो दैट वॉज देयर. ऑफकोर्स आप ये भी सोच के चलो कि डेमो में अगर आप जा रहे हो तो आपको ही बोलने दिया जाए, ये जरूरी नहीं है. दे मे जस्ट स्विच यू टू डिफरेंट टॉपिक्स. एंड ये कब आती है कि जब आप थोड़ा स्मार्टली काम करते हो, स्मार्टली ने जो टॉपिक प्रिपेयर किया है उसका हाई लेवल तक को प्रिपेयर कर लो, और जो बाकी के टॉपिक्स है इवन इफ यू आर क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट्स देन इट इज इजी, एंड वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आ जाता है. द ओनली थिंग इज हाउ यू प्रेजेंट इट. सो सर दिस वॉज माई इंटायर एक्सपीरियंस सुपर वाइल अप्लाइंग. सुपर अंकित, मतलब आई आई थिंक गाइस जितने हमने एक्सपीरियंस लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस आज तक, दिस वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज आपको जो भी समझना था जानना था रिगार्डिंग टेस्ट डेमो इंटरव्यू, अंकित एक्सपीरियंस इन अ वेरी गुड मैनर, मतलब कुछ डाउट बाकी नहीं रह जाएगा आपका. इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, एनी कंपनी, यू विल गेट अ आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स हैपन, टेस्ट से लेके डेमो से लेके इंटरव्यू तक हाउ थिंग्स आर गोइंग, दैट अंकित एक्सप्लेन्ड सो वेल. तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने कुछ भी मिस किया हो इस पूरे वीडियो में, प्लीज रिवाइंड द वीडियो वंस एंड लिसन टू हिम, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब. जो पर्सन आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ब्रीफली, तो प्लीज थैंक हिम लेटर ऑल्सो, बिकॉज ही हैव गिवन हिज टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स वेरी ब्रीफली. आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो भी इंटरव्यू क्रैक कर रहा है एंड हु इज प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली, आपके लिए बहुत मस्त वीडियो होगा, बिकॉज यू कैन नो एवरीथिंग फ्रॉम अंकित. तो अंकित, बिफोर यू प्रोसीड फर्दर अबाउट इन दिस जर्नी, एक आपसे क्वेश्चन था, जो आपकी टेस्ट होती है एलन डिजिटल की, उसमें क्वेश्चन से सब्जेक्टिव आते हैं या फिर एमसीक्यू भी आते हैं, लाइक काइंड ऑफ रीजनिंग एप्टीट्यूड वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे आपके? सर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस आप नहीं देखेंगे, बिकॉज वहां पे वो आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग का स्ट्रेंथ देखते हैं. दैट इज वेयर, क्योंकि आपको डेमो में वो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाले हैं. वहां पे मैंने आपको आई हैड लिस्टेड आउट द क्राइटेरिया जिसपे वो आपको जज कर रहे हैं. वहां पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं, तो वो सारा जो आपको सॉल्विंग करते हैं दे एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म वेल इन द रिटन. रिटन जो होता है वो आपका एसर्शन रीजन, एक स्टैंडर्ड पेपर जो आप आज के बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आप उन बच्चों को पढ़ाओगे तो उनके पेपर्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए. अंकित, सम थिंग्स अबाउट डेमो, बिकॉज डेमो आपने काफी प्रिपेयर करा है, आपने काफी डेमोज बनाए हैं, काफी एफर्ट्स करे हैं, तो फ्यू बेसिक टिप्स आई वांट यू टू गिव फॉर डेमो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट माय सेटअप, पहला बात ठीक है. आई डिडंट वांट टू मतलब डू इट अनप्रोफेशनली, बिकॉज आई प्रीवियसली मैंने बताया आपको कि मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है. सो वहाँ पे स्टूडियो होता था, स्टूडियो में कैमरा एंड एवरीथिंग सब कुछ सेटअप था. तो जो वो वहाँ पे काफी ग्रूमिंग मिला मुझे, क्योंकि आई हैड द फ्रीडम टू ऑल्सो सेट टेस्ट पेपर्स को सेट करना होता था. तो वो एक चैलेंज होता है ना, वो आपको एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देता है, आपकी थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी को भी देता है, या आप किस तरह के सेट ऑफ क्वेश्चंस चूज करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो आपके राइटिंग स्किल्स को बहुत चेक करते हैं. तो वहां पे सच हैंड राइटिंग का नहीं है, उन्होंने बोर्ड प्रेजेंटेशन का एक क्राइटेरिया ही रखा है बोर्ड मैनेजमेंट के अंदर, उसी में वो साफ कितना है. तो माई हैंड राइटिंग आई हैव ऑलवेज बीन कॉम्प्लीमेंटेड अबाउट माई हैंड राइटिंग, सो दैट वॉज नॉट एन इश्यू. ये सब आ जाता है जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका खुलने लगता है, वो नॉट एन इश्यू, इट्स इजी. ओके, नाउ कमिंग टू इंटरव्यू अंकित, इंटरव्यू के लिए व्हाट डू यू रेकमेंड, अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है तो विच बुक्स दे कैन फॉलो, और जो क्वेश्चंस वहां पे आते हैं वो खाली डेमो से आते हैं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है? नहीं, आई 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 थिंक व्हेन माय डेमो वेंट,
डेमो में उन्होंने काफी आपको अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर विजन। वहां पे वो आपको मेरे इंटरव्यू में लकीली जो सर थे ही वाज नॉट आस्किंग मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द थिंग इज। क्योंकि डेमो में वो आपको टेस्ट कर लिए, उन्होंने आपका रिटर्न देख लिया, तो दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन टू डिस्कसिंग देयर। उनको आपको पता चल गया है, आपका वैल्यूएशन वो कर चुके हैं। हाँ, वो ये जरूर देखते हैं कि आपका लॉन्ग टाइम विजन क्या है। आप अगर स्ट्रेट अवे बोल देंगे नहीं मैंने अभी मतलब आई एम नॉट अश्योर अबाउट इट और समथिंग, सो एलन इज अ प्लेस वेर यू आर गोइंग इन टू हैव वेरी सॉलिड रीजंस। एंड वो रीजंस अगर आपके रेज्यूमे में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया पढ़ाने में। मैं जब कॉलेज में था उस समय मैं एक सोसाइटी का पार्ट था जिनका काम था कि हम लोग जाके आसपास के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो आई वाज आल्सो गिविंग ट्यूशंस व्हेन आई वाज इन कॉलेज। लाइक दैट वाज नॉट बिकॉज आई वाज हैविंग सम कैश क्रंच, कोई इस तरह का इशू नहीं था। इट वाज जस्ट बिकॉज आई लाइक इंटरेक्टिंग विद यंग पीपल, यंगर देन मी ऑफ कोर्स। दैट टाइम आई वाज व्हाट 21 20, सो यंगर देन मी। व्हेन यू कैन एक्सप्लेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 8 9, तो वो काफी चैलेंज होता है क्योंकि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि काफी इजी भी होते हैं एट द सेम टाइम ट्रिकी भी होते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस था। एंड जब वो आपके इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो दे वांट टू सी दैट, दे वांट टू सी कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, आप पैशनेट हो कि नहीं, या फिर ये जस्ट एक आपका साइड हॉबी सॉर्ट ऑफ। तो मेरे रेज्यूमे में लकीली मेरे पास ऑफकोर्स पेड स्लिप नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर से भी बता देता हूँ, बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ, पेड स्लिप एक्सपीरियंस नहीं था। तो बट देर वर प्लेसेस जहाँ पे मैंने पढ़ाया था, अच्छा खासा समय दिया था, सो इट रिफ्लेक्टेड ऑन इट। एंड मेरे टेस्ट रिजल्ट्स डेमो से भी उनको पता चला कि ये लाइक फ्लूक पे नहीं कर रहा है, इसने प्रैक्टिस किया, इसने मेहनत करी है। तो ये सब करके स्ट्रेट अवे देर इज नॉट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर, बट देन दे आस्क, एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है एंड देन स्ट्रेट अवे परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि दिस इज वॉट वी ऑफर यू एंड व्हाट आर योर टर्म्स एंड एवरीथिंग, मतलब कि आप क्या काउंटर ऑफर ये सब। ओके सो अंकित, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस जर्नी, लाइक आपने हमसे मॉक लिया, आपने डेमो लिया, आपने हर जर्नी को देखा हमारे साथ कि हाउ वी आर ट्रेनिंग, हाउ वी आर गोइंग इन दिस कंप्लीट जर्नी. सो व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ डज मॉक एंड डेमो प्रिपरेशन हेल्प्स यू इन दिस कंप्लीट जर्नी? जब आप वहां पे थे एलन के पास, जब आपने वहां डेमो और इंटरव्यूज दिए, तो हाउ वॉज दैट हेल्पिंग यू इन दिस कंप्लीट जर्नी? जो हमारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं उसमें काफी कुछ ट्रिम हो जाता है। पता होना चाहिए कि जो जैसे आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हो, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये कंपलसरी या सच मैंडेटरी नहीं कि आपको वो फ्लो के साथ जाने देंगे। तो लेकिन हाँ, जब आप मॉक्स को रेडी कर रहे होते हो तो आप बस एक सेगमेंट ऑफ द चैप्टर को रेडी मत करो, मैं एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आप कोई एक टॉपिक ही उठा रहे हो तो आप उस पूरे सब्जेक्ट को उठा लो, ठीक है। अगर आप लाइक मोशन में ही आप बस सोचते हो कि नहीं हम मोशन अंडर ग्रेविटी में इतने पढ़ेंगे हो गया, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, या फिर मैं इतना ही पढ़ूंगा इतना हो जाएगा, बैंकिंग ही पढ़ूंगा काफी है, मतलब आई जस्ट नीड टू नो ऊपर ऊपर वाला नीचे का नहीं। क्योंकि जब वो आप कोई टॉपिक उठा रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पूरा टॉपिक कवर करो, पूरा आपको पता होना चाहिए। वो वहां से ही उठाएंगे इनिशियल फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 1 to 2 questions वहीं से पूछेंगे। तो अगर आप जो टॉपिक पिकअप कर रहे हो उसको लेके कंफर्टेबल नहीं हो एंड आपने बोला नहीं 15 मिनट में तो मैंने इतना ही स्लॉट रखा है, इतना ही रेडी करूंगा, इसके बाद वाला बस ऊपर ऊपर, ना ना ये वर्क नहीं करेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अगर छोटा भी टॉपिक उठाओ, जैसे अगर आप 12th का ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उठा लो, या फिर आप 11th में ही आप थर्मोडायनेमिक्स उठा लो, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में हाई लेवल पूछा जा सकता है। सर्विस से कि हाँ सर्कुलर मोशन ही उठा लो, बहुत इजी है, तो सर्कुलर मोशन ही एक टॉपिक है सच ले लो। तो ये सब चीजों को आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो उसको थरोली प्रिपेयर करो, नॉट ओनली एक सेगमेंट कि ये 15 मिनट के सेगमेंट में ये आ रहा है तो इतना ही पढ़ने से हो जाएगा, वो आपको पूछेंगे। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने बहुत समय से वो रिटन वाला मैं टेस्ट लगाते जा रहा था, मेरे पास बुक्स मटेरियल्स थे, तो एवरी इवनिंग आफ्टर आई केम फ्रॉम वर्क मैं 1 2 घंटे ही निकाल पाता था मैक्स टू मैक्स। कभी कभार तो नहीं हो पाता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभार हिम्मत नहीं होता था कि आफ्टर वर्किंग फॉर 9 आवर्स यू कम बैक एंड आप बुक खोल के फिर से लगाओ। जस्ट टू मेंशन वन थिंग सर,
वो आई एम रियली वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट जो मैंने अभी तक बोला नहीं है कि जब भी मैं मॉक्स करता था इट वाज लाइक मैं आपको बहुत रैंडम टाइम्स पे कॉल करता था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वाज लाइक कि यू वुड इमिडिएटली रिटर्न द कॉल इफ यू डिड नॉट पिक अप, एंड इफ यू पिक अप देन यू वुड स्ट्रेट अवे एड्रेस माई इशू। आई नेवर फेल दैट डिसकंटिन्यूटी कि नहीं मुझे गाइडेंस में थोड़ा डिसकंटिन्यूस फीलिंग आ रहा है। सो सर आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सेसिबिलिटी दैट आई हैव कि हाँ मैं इजिली आपको कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। आई नो दैट यू विल रिटर्न माई कॉल एज सून एज पॉसिबल। दैट वॉज वेरी कम्फर्टिंग एंड दैट एक्चुअली रिलैक्स माई सेंसेस कि हाँ जो मैं गाइडेंस चूज किया हूँ आई एम श्योर अबाउट इट। सो द अदर पार्ट जो मेरे पे डिपेंड करता है वो है मेरा हार्डवर्क कि मैं मतलब कर पा रहा हूँ कि नहीं। दैट वॉज देयर। सो सर आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम यस सर। गाइस, मैं यही बोलता हूँ, आई नो दैट यू वांट मेंटरशिप, यू वांट गाइडेंस, आपको नहीं पता है हाउ टू अप्रोच द एचआर, हाउ टू अप्रोच द कंपनी, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आई एम देयर फॉर दैट, मैं बोलता हूँ अपफ्रंट, ओके, आई एम देयर टू हेल्प यू, असिस्ट यू। आप मेहनत करिए, पढ़िए और क्वेश्चंस को लगाइए, सॉल्व करिए, बाकी व्हाट एवर डाउट्स यू हैव, एज अंकित सेड, आई रिस्पॉन्स टू कॉल, आई डू रिस्पॉन्स टू एवरी वन कॉल, आई ट्राई। अगर मैं बिजी हूँ आई विल कॉल यू बैक, आई विल हेल्प यू बैक, बट मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्स। तो कोई मेरे से जुड़ता है ना, आप बस मेहनत लेके आइए, डायरेक्शन, दिशा दिखाना, नंबर्स देना, कॉन्टैक्ट करवाना, इंटरव्यूज करवाना, सब मेरा काम है, मैं करा के दूंगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन मॉक इंटरव्यू सेशंस, उसके तीन बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम पे, हमें व्हाट्सएप करिए उस नंबर पे, मैं मेरी टीम रिवर्ट बैक करती है आपको रिगार्डिंग ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। दूसरा, एक सिंपल सा गूगल फॉर्म है हमारा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप वो फॉर्म फिलअप करेंगे मेरी टीम गेट बैक करेगी टू आंसर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज जो आपके मन में चल रहे होंगे रिगार्डिंग मॉक प्रिपरेशन। एंड तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी डे यू गेट न्यू जॉब की अपडेट्स देयर, जो भी आपकी प्रायोरिटीज है, आपकी प्रेफर्ड जॉब है, आपको मिलने में वो बहुत हेल्प करने वाली है। यू कैन इजिली गेट योर ड्रीम जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। और राइट नाउ आप सबकी फरमाइश पे हमने एक नया व्हाट्सअप कम्युनिटी स्टार्ट किया है, एक व्हाट्सअप चैनल स्टार्ट किया है हमारा, जहाँ पे व्हाट्सअप पे यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग लेटेस्ट जॉब, कौन सी जॉब्स आने वाली है, कौन सी आ रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे एवरी डे यू बी पार्ट ऑफ मेहता वॉइस फैमिली, जहाँ आपको जॉब की अपडेट्स मिलेगी, इंटरव्यू की अपडेट्स मिलेगी, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, एफर्ट्स लेके आइए, डेडिकेशन लेके आइए, बाकी सब मेरा काम है। हाउ टू गिव यू द वे वो मैं डिसाइड कर लूंगा आपके लिए, मैं आपको उसके लिए हेल्प कर दूंगा। तो अंकित, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, मेरे आपसे कुछ सजेशन है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे, ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जो डिमोटिवेट काफी हो जाते हैं, एक दो बार इंटरव्यू दिया, क्लियर नहीं हो पाया, दे आर लाइक अब हमसे नहीं हो गया, हुआ वी हैव टू गिव अप अबाउट दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। तो उसके लिए आपकी क्या सजेशन है, दैट हाउ टू मेक देम चार्ज्ड अप, कैसे बूस्ट अप लाए उनके अंदर कि दे शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड फ्रॉम देयर फेलियर्स। I going through the entire process. I am also human. I went through my own phase of up and down. Initially, it was only downhill. Where I realized कि I stand no place. कहीं पे ये नहीं है. इतना से तो नहीं होने वाला है. क्योंकि ये standards बहुत high हैं. Of course, फिर मैंने ये भी find out किया कि जितने I think 70 odd students had applied for physics. 70 कैंडिडेट्स उसमें से बस 4 का सिलेक्शन हुआ था. तो वो ही कंफर्टिंग था कि चलो हम इतने भी बुरे नहीं है. इट वाज रियली वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे और वो डिजर्व भी करते थे क्योंकि काफी ग्रूलिंग होता है. और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद मैं सीरियस हुआ कि नहीं आई नीड टू टेक थिंग सीरियसली. वो एक क्वेश्चंस का टारगेट लेना पड़ेगा. एंड एज सर आपने जो वो क्वेश्चंस दिए थे सेट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग बैक टू इट, अगर मेरे से वो नहीं बनते तो मैं जानता हूँ मेरे चैप्टर मेरा वीक है. तो रिजेक्शन जो होते हैं ना इट इज अ लर्निंग स्टेप. मैं जब भी रिजेक्ट हुआ तो मुझे पता था इतना से काम नहीं चलेगा. आई थिंक हमने सबने वो एम एस धोनी वाली मूवी देखी है ना कि इतना से नहीं होने वाला. हाँ तो वही एक होता है. उससे ज्यादा उसको आप एक रत्ती भाव मत दो. मेरा तो ये कहना है मैं जिस तरह से बोलना चाहूंगा कि एक रत्ती भाव मत दो. बस हाँ लर्निंग कर रहे हैं लर्निंग लगेगा. तो डिमोटिवेटिंग होता है बट सर के ऊपर चढ़ने नहीं देना है. तो गाइस, दिस इज द बेस्ट टिप फ्रॉम अंकित, और मैं भी मानता हूँ इन चीज़ों को कि यार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टाइम निकालो, डेली बेसिस पे फॉर्मूलाज देखो, पढ़ो, जितना पढ़ोगे ना सक्सेस विल कम टू यू एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना तो पीपल विल बी विथ यू, पीपल विल हेल्प यू, दिस होल नेचर विल हेल्प यू, बट आपके एफर्ट्स होने चाहिए इन ऑल दिस प्रोसेस। मैं आपको हेल्प करूंगा, असिस्ट करूंगा, एफर्ट्स आप लगाओ, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस फॉर श्योर, ये मेरी वर्ड्स हैं आपके साथ। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया ये,
जस्ट बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग डीपली, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट जहां पे किसी पर्सन ने अपनी पूरी जर्नी को डिस्क्राइब कर दिया, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आपको कैसे बहुत कम वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल पे जहां लंबे वीडियोस है और उसमें हर चीज ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्पेयर योर टाइम, वॉच द वीडियो अगेन एंड पुट द पॉइंट्स जो अंकित ने बोले है ना, उन पॉइंट्स को पुट डाउन कीजिए, बिकॉज ये उनकी खुद की जर्नी है जो उन्होंने डिस्क्लोज करी है। तो ये बहुत कम लोग डिस्क्लोज करते हैं इतना ब्रीफली, तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा वीडियो जहां लोगों ने इतना ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो ट्राई टू वॉच द वीडियो, लर्न फ्रॉम अंकित। बाकी हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, टिल दैट टाइम प्रैक्टिस करते रहिए एंड डू सपोर्ट अस, लाइक कर दिया कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए हमारे चैनल को, ताकि व्हाट एवर वीडियोस वी पोस्ट दैट कम्स टू यू एज सून एज पॉसिबल, एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, ताकि दे कैन लर्न एंड गेट द आइडिया अबाउट द जॉब। बाकी जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में। टेक केयर, कीप अप्लाइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय। Thank you.